फिर हट के कहाँ पर पढ़बो सर, मैं तो ही जगह बैठूं। नहीं हूँ तो मोर जगह मैं पहले बता दे। दोस्तों हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्म किसी हिंदी फिल्म से कम नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम पर रिलीज हुए सीजी मूवी ले शुरू हो गए माया के कहानी फिल्म ने पूरे भारत के सभी सुपरहिट फिल्मों को टक्कर देकर सबसे आगे निकल चुका है। और सभी फिल्मों के तुलना में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फिल्म बन चुका है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में ऐसे ही सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 6 छत्तीसगढ़ी फिल्मों के बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों हमारे लिस्ट के नंबर 6 पर आता है मयारू गंगा। दोस्तों छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में सर्वाधिक कमाई करने वाले छत्तीसगढ़ी मूवी में से एक है। इस फिल्म के डायरेक्टर एस के मुरलीधर है। इसके लीड रोल में प्रकाश अवस्थी और मन कुरैशी है। इस फिल्म का बजट लगभग 22 लाख रुपए थी और यह फिल्म अप्रैल 2017 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने लगभग 3 करोड़ से अधिक कमाई की थी और यह फिल्म पारिवारिक पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म है। और दोस्तों हमारे लिस्ट के नंबर 5 पर आता है आई लव यू। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशन किए है उत्तम तिवारी। इस फिल्म के हीरो मन कुरैशी और एक्ट्रेस मुस्कान एवं अनाकृति चौहान है। इस फिल्म का बजट लगभग 75 लाख रुपए था, जो कि छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक बजट वाला फिल्म है। इस फिल्म की कमाई की बात की जाए तो इस फिल्म ने 5.10 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। दोस्तों हमारे लिस्ट के नंबर 4 पर आता है डार्लिंग प्यार झुकता नहीं। दोस्तों छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म की सूची पर आती है। इस फिल्म का निर्देशन प्रणव झा ने किया था। फिल्म में एक्टर मन कुरैशी और अनुकृति चौहान एक्ट्रेस के रूप में दिखाई दिए। इस फिल्म में कॉमेडी किंग अमलेश नागेश का भी योगदान है। इस फिल्म का बजट लगभग 21 लाख था और इस फिल्म ने लगभग 7.15 करोड़ रुपए कमाई की है। और दोस्तों हमारे लिस्ट के नंबर 3 पर आता है लैला टिपटॉप छैला अंगूठा छा। दोस्तों यह फिल्म छत्तीसगढ़ी लव स्टोरी और कॉमेडी से भरे इस फिल्म का बजट 29 लाख रुपए है। इस फिल्म को सतीश जैन के द्वारा डायरेक्ट किया गया है। करण खान और शिखा चितांबरे इस फिल्म के मुख्य नायक और नायिका है। इसकी कमाई लगभग 15.10 करोड़ रुपए है। हमारे लिस्ट के नंबर 2 पर आता है हस झन पगली फस जबे। दोस्तों इस फिल्म ने सर्वाधिक कलेक्शन किया है। हस झन पगली फस जबे फिल्म वर्ष 2019 में रिलीज हुई, जिसने लगभग 17 करोड़ से अधिक की कमाई की है। इस फिल्म में एक्टर मन कुरैशी और एक्ट्रेस अनाकृति चौहान ने अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीत लिया। और दोस्तों हमारे लिस्ट के नंबर 1 पर आता है ले शुरू हो गए माया के कहानी। दोस्तों इसका क्रेज अभी के टाइम पर सबसे ज्यादा चल रहा है। सतीश जैन के डायरेक्शन में फिल्म आया ले शुरू हो गए माया के कहानी। दोस्तों इस फिल्म के स्टार कास्ट में अमलेश नागेश और एल्सा घोष अभिनय करते नजर आए हैं और इस फिल्म को छत्तीसगढ़ के अन्य राज्यों के थिएटरों में लगा है 1 करोड़ के बजट में बने। इस फिल्म ने अभी तक 18 करोड़ से अधिक की कमाई कर लिया है। हैरानी की बात तो ये है कि अभी तक छत्तीसगढ़ के किसी भी फिल्म ने इतना नहीं कमाया है। तो दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले मूवी का इन्फॉर्मेशन वीडियो। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।